हाजी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? आज बात कर रहे हैं भारत सीरीज बीएस सीरीज नंबर प्लेट के बारे में। उसमें कुछ सर्कुलर चेंजेस हैं, कुछ अपडेट्स हैं, कुछ नए नोटिफिकेशंस हैं, वो आपसे शेयर करना है। देखिए, बीएस सीरीज की जो राह है वो उतनी आसान नहीं है जितनी शुरू में लग रही थी कि इंडिया में वन नेशन वन टैक्स अप्लाई हो जाएगा, लोगों की दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। जो ट्रांसफरेबल जॉब में है आसानी से वो अपने कार का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, रोड टेस्ट की जो दरें हैं वो भी कम है। लेकिन साहब, इसकी जब ग्राउंड रियलिटी निकल के आई तो समस्याएं बढ़ती ही जा रही हैं। आप बी एस सीरीज के बारे में जानकार हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो जान लीजिए कि भारत सीरीज नंबर प्लेट का विजन ऐसा था कि जो लोग ट्रांसफरेबल जॉब में हैं, सैलरी क्लास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं या मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं जिनके ऑफिस 4 स्टेट्स या उससे ज़्यादा जगह हैं, तो वो अपनी कार के अंदर भारत सीरीज नंबर प्लेट को अप्लाई कर सकते हैं और वो नंबर प्लेट पैन इंडिया वैलिड रहेगी। तो अगर वो दूसरे शहर में ट्रांसफरेबल जॉब में जाते हैं तो उनको स्टेट के अंदर दोबारा अपनी कार का रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही उनको दोबारा रोड टैक्स पे करना होगा। क्योंकि ऐसा हो रहा था पहले कि जब भी कोई ट्रांसफरेबल जॉब में व्यक्ति दूसरे स्टेट में मूव करता था अपनी कार के साथ और वहां पर 1 साल या उससे ज्यादा समय काम करता था, उसको अपने व्हीकल का दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था विद अ न्यू नंबर ऑफ दैट स्टेट, प्लस रोड टैक्स भी पे करना पड़ता था। उस प्रक्रिया में बड़ा दिक्कत थी कि एनओसी निकालो, रोड टैक्स पे करो, फिर रोड टैक्स का रिफंड लो जहाँ पहले दिया है। तो भारत सीरीज में बड़ी ये दिक्कतें आसान हो गई और साथ में द रेजिडेंट्स ऑफ कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्रा, महाराष्ट्र, वो भी बड़े खुश थे कि भाई उनके जो स्टेट में रोड टैक्स थे बहुत ज़्यादा थे। फॉर इंस्टेंस, कर्नाटका में 13% to 18% ऑफ द एक्सशोरूम प्राइस ऑफ द कार, तेलंगाना में 13% से 18%, तमिलनाडु में 10% से 15%, महाराष्ट्र में 11% से 15% पेट्रोल एंड डीजल कार्स सीएनजी पे काम था, केरला में 9 से 21%, आंध्रा में भी 13 से 18%। तो वहाँ पे लोगों में खुशी आ गई कि भैया भारत सीरीज का नंबर प्लेट का जो रोड टेस्ट की दरें हैं वो है 6% से 14%, डिपेंडिंग ऑन प्राइस, डिपेंडिंग पेट्रोल डीजल सीएनजी ईवी क्या कार है। वहाँ पर कंपैरेटिवली रोड टेस्ट की दरें कम थी, लेकिन उससे भी बड़ी खुशी ये थी कि जब बीएच का सर्कुलर देखा उसमें लिखा था कि जो रोड टेस्ट पे करना होगा वो पे करना होगा इनवॉइस वैल्यू, द प्राइस बिफोर जीएसटी एंड सेस, क्योंकि गाड़ियों पे जो जीएसटी और सेस लगता है वो लगता है 29% to 50%। तो टैक्स पे टैक्स पहले सिनेरियो में पे कर रहे थे, उनको बड़ी खुशी मिली और साथ में रोड टैक्स जो पे करना था वो पे करना था प्रोराटा बेसिस पे ऑन अ स्लैब ऑफ एवरी 2 इयर्स। पहले एक मुश्त रोड टैक्स पे कर रहे थे तो गाड़ियां महंगी लग रही थी, प्रोराटा बेसिस पे करेंगे जो रोड टैक्स की जो अमाउंट है एब्सोल्यूट टर्म्स में वो अमाउंट कम होगी, 1/7 हो जाएगी ऑलमोस्ट। तो बड़ी खुशी निकल गई थी कि भैया ये बहुत आसान हो गया है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी निकल के आई जब लोगों ने इसके लिए अप्लाई करना शुरू किया तो आज की तारीख में भी, डिस्पाइट द प्रोजेक्ट नाउ ऑलमोस्ट 2 इयर्स ओल्ड, कर्नाटका में प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज आर स्टिल बीन सेट बाय द डीलर शोरूम्स, जो उन्होंने मुझे बताया कि वहां पे बोल रहे हैं कि केवल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही भारत सीरीज नंबर प्लेट ले सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय भले वो क्राइटेरिया मैच कर रहे हैं कि उनके कंपनी के ऑफिस 4 स्टेट या उससे ज्यादा जगह हैं, फिर भी वो बी एस सीरीज के अप्लाई नहीं हो पा रहा है। तेलंगाना में ये प्रोजेक्ट अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अब मानता हूँ वहाँ पे भैया सरकार को रोड टैक्स में लॉस है, लेकिन केंद्र सरकार ने भी जब मुहिम लेके आई है आई होप पूरा सोच समझ के इम्प्लीमेंट किया होगा। केरला में दिक्कत आ रही है, छत्तीसगढ़ में दिक्कत आ रही है, ऐसा मतलब पीपल ऑल्सो सेड कि हरियाणा में भी उनको ऐसा इशू फेस हो रहा है। तो सर ये जान लीजिए, ग्राउंड रेट ये है कि भारत सीरीज नंबर प्लेट अभी भी पैन इंडिया इम्प्लीमेंट नहीं हुई है एंड प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज इन सम ऑफ द स्टेट्स आर फेसिंग इश्यूज। दूसरी बात ये जान लीजिए, भारत सीरीज नंबर प्लेट के अंदर सर्कुलर जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे से आया था उसमें साफ साफ मेंशन था कि भारत सीरीज नंबर प्लेट का रोड टैक्स अप्लाई होगा ऑन द इनवॉइस वैल्यू बिफोर द जीएसटी एंड सेस। लेकिन लोगों ने ऐसे बताया कि मैक्सिमम लोगों ने कि उनको दिक्कत आ रही है, डीलर शोरूम बोल रहा है कि सर आपका रोड टैक्स हम लेंगे गाड़ी के एक्स शोरूम प्राइस पे, एक्सेस रोड टैक्स जमा कर रहे हैं। अब बात यह है कि जब मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने बोल रखा है तो आप क्यों एक्सेस रोड टैक्स पे कर रहे हैं? मेरा कहने का अर्थ है अगर आपको उसमें दिक्कत आ रही है, यू प्लीज टेक द सर्कुलर ऑफ भारत सीरीज नंबर प्लेट फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करिए, अपने स्टेट के लोकल आरटीओ में कॉन्टेक्ट करिए, रोड टैक्स ऑफिसर से उनको दिखाइए सर्कुलर है, हाउ एम आई बीन आस्क्ड बाय द डीलर शोरूम सो टू पे ऑन द एप्लीकेबल एक्स शोरूम प्राइस। और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज को भी ट्वीट कर सकते हैं, एस्केलेट कर सकते हैं, क्योंकि उनके सर्कुलर पे लिखा है कि द प्राइस वुड बी द वैल्यू बिफोर द जीएसटी एंड सेस,
तो वो दूसरी बात है, लेकिन लोगों को उसमें भी दिक्कत आ रही है। अब तीसरी बात, जिन्होंने भारत सीरीज नंबर प्लेट ले ली है उनकी भी राह आसान नहीं है। अब ऐसा पता लग रहा है कि भाई उनको हर 2 साल में जब वो अपना भारत सीरीज का रोड टैक्स पे करेंगे, साथ में उनको दोबारा फॉर्म जमा करवाना पड़ेगा सो एज टू शो देम दैट कि वो एलिजिबल आज भी है भारत सीरीज नंबर प्लेट के। क्योंकि BH सीरीज के अंदर एक सा क्लॉज निकल के आ गया है कि अगर कोई व्यक्ति भारत सीरीज नंबर प्लेट के क्लॉज को मैच नहीं करता है तो उनका रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स तब तक ही वैलिड होगा जब तक उन्होंने रोड टैक्स पे कर रखा है। क्योंकि रोड टैक्स BH सीरीज में केवल 2 साल के बेसिस पे किया जाता है। तो यानी अगर वो कल अपनी किसी ऐसी जॉब में आ जाते हैं जिसमें कंपनी के 4 स्टेट या उससे ज्यादा ऑफिस नहीं है, या वो मानिए आज सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, कल प्राइवेट सेक्टर जॉब में आ जाते हैं जिसमें मैच नहीं कर रहे हैं उनके नॉर्म्स, तो वो भारत सीरीज के नंबर प्लेट के इस लाभ से वंचित हो जाएंगे और उस केस में उनको दोबारा स्टेट के अंदर अपना री रजिस्ट्रेशन करवाना होगा व्हीकल का और एप्लीकेबल रोड टैक्स देना होगा। तो वो अगली बात है। तो एक डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटी आपके जरूर भर जाएगी बिकॉज यू वुड बी आस्क्ड एज टू सबमिट इन फॉर्म Which would validate कि आप उसके norms match कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। Form declaration होता है कंपनी के behalf पे कि ये व्यक्ति हमारे यहाँ काम कर रहा है, 4 अलग अलग शहरों में हमारे ऑफिस हैं और आज भी ये व्यक्ति काम कर रहा है। HR department से validate होता है और उनके letter head पे आता है। तो वो भी आपको हर 2 साल में submit करना होगा। अभी भी जान लीजिए ये प्रक्रिया आपको हर 2 साल में करनी जरूरी है। अगर आप इसको किसी भी सूरत में मिस कर गए तो बॉस आपकी कार का रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो जाएगा, आपको एक तो फाइन लगेगा, दूसरा आपकी कार रोड वर्दी नहीं रह जाएगी क्योंकि इंश्योरेंस अगर आप लेंगे और कल किसी कारणवश आपकी कार एक्सीडेंट हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी विल आल्सो डिनाई टू पे द क्लेम पेमेंट क्योंकि आपकी कार का रजिस्ट्रेशन वैलिड ही नहीं है। वो अगली बात है। उसके साथ साथ आप ये भी जान लीजिए भारत सीरीज नंबर प्लेट के अंदर ऐसी भी बात है, जब कल आप अपनी कार बेचने को जाएंगे, जो दूसरा व्यक्ति है आपकी कार खरीद रहा है, क्या वो भारत सीरीज के नंबर प्लेट के नॉर्म्स को मैच करता है, मीट करता है या नहीं करता है? अगर वो नॉर्म्स मीट करता है, वेल एंड गुड है, द कार कैन इजीली बी ट्रांसफर्ड टू हिज नेम और फिर वो आगे रोड टैक्स को पे करने की जिम्मेदारी उसकी होगी। लेकिन अगर वो नॉर्म्स मीट नहीं करता है बॉस, उस केस में आपकी कार का दोबारा री रजिस्ट्रेशन होगा और एप्लीकेबल रोड टैक्स पे किया जाएगा। इसका मतलब उस व्यक्ति को उस कार को ट्रांसफर करते हुए नया स्टेट लेवल रजिस्ट्रेशन मार्क लेना होगा और उस केस में रोड टैक्स भी पे करेगा। इसका मतलब वो व्यक्ति आपकी कार की रीसेल वैल्यू घटा देगा बिकॉज वो कहेगा भैया मेरा तो एडिशनल खर्चा आ गया सो एज टू पे द एडिशनल रोड टैक्स और मेरे को एक डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटी बढ़ गई। तो वो भी एक अगली बात है। एक और व्यक्ति ने लिखा था पुणे के RTO में उनकी कार BH सीरीज में रजिस्टर हुई है, ऑल दो दैट कार अभी भारत सीरीज नंबर प्लेट को 2 साल भी नहीं हुई है, पर उन्होंने ऐसा बोला कि पुणे RTO में है, अब उनको अपनी कार बेचनी थी, कार में BH नंबर प्लेट थी लेकिन पुणे RTO को प्रोसेस ही नहीं पता है। वो कह रहे भाई हमें नहीं पता आप जिसको बेचना चाह रहे हैं कैसे करें कैसे नहीं करें, नॉर्मल प्लेट में कैसे करें, हम तो MH नंबर प्लेट महाराष्ट्र नंबर प्लेट पे ही कर सकते हैं। तो वो एक और दिक्कत है। हालांकि वो दिक्कत सॉर्ट आउट हो जाएगी क्योंकि BH सीरीज को अभी 2 साल होने ही वाले हैं, काफ़ी सारे लोग अपनी पुरानी कार को बेचना नहीं चाह रहे हैं, बेचना जब भी चाहेंगे तो वो भी एक आयरन आउट हो जाएगा, पर टीथिंग इश्यूज लोगों को फेस हो रहे हैं। तो सवाल ये है कि भारत सीरीज नंबर प्लेट की राह उतनी आसान नहीं है जितनी दिख रही है। ये सब चीज़ें आपको पता होनी ज़रूरी है इन टर्म्स ऑफ अपडेट्स। बाकी भारत सीरीज नंबर प्लेट का अगर आप रोड टैक्स आना चाहते हैं, माइकर हेल्पलाइन वेबसाइट के क्राउड सेक्शन में आ सकते हैं, वहाँ पे BH सीरीज का अपडेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, प्राइस बिफोर GST एंड सेस आपको देखेगा, उस पर एप्लीकेबल रोड टैक्स भी आपको देखने को मिलेगा। बाकी कार्स के बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए माइकर हेल्पलाइन वेबसाइट, कोई प्रोफेशनल सपोर्ट चाहिए कन्फ्यूज एंड न्यू यूज फाइनेंस इंश्योरेंस एक्सेसरीज रजिस्ट्रेशन के बारे में, तो माइकर हेल्पलाइन वेबसाइट के प्रोफेशनल सपोर्ट सेक्शन में आप आ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ माइकर हेल्पलाइन फोरम। I hope you like this information. If in case yes, upvote it, share, subscribe to My Car Helpline for the very best of updates on the auto sector. Thank you.